निर्दयी दास। अक ध्याड़े पतरस यीशु के ना पूछो, हे स्वामी, मो अपने भाई नी केवती बार माफ कानु चाहिए थू, जिखनी से मिंडे खिलाफ पाप का था। क्या सत बार माफ कानु चाहिए थू? यीशु बोलो, सत बार ये ना, पण सत्र बार माफ कर। इठने जरिए यीशु रा मतलब एक्या आ कि असुआ हमेशा माफ कानु चाहिए थू। इठने तेनी यीशु एके कहानी सुनाए। यीशु बोलो, परमेश्वर रा राज्य एक ही राज समान आ, जे अपने दासा के ना लेखा लेना चाह था। तेसरा अक दास 2000 चांदी रे सिक्का कहरा अक बड़ा बड़ा कर्जदार थिया, पण तेनी दास है अपना कर्जा न चुकाया। इठने तेनी राजे बोलो, ऐसरा कर्जा चुकता कहने रे तेनी ऐस मर्दा जां ऐसरे पूरे परिवार दासरे रूपा मज बेचे दिया। फिर से क्या दास राजे रे सामने जेणुआ करे भारे प्या जां बोलो, छंदे मुँह पन रैम कर, आऊँ अपने कर्जे रे पूरी रकमेरा भुगतान कर दैला। राजे तेस दासा पने दया के। इठने तेनी राजे तेसरा सारा कर्ज माफ कर दीता जां से दास गाना दीता। पण जेखनी से दास राजे के ना मेले करे भेनी गया, ता तेसने तेसरा अक साउगी दास मेला, जै तेसरे चौवा महीनेरी मजदूरी रा कर्जदार थिया। तेनी दास है से अपना साउगे दास पकड़े लिया जां बोलो, जै तापन मीडा कर्जा आ तेसरा मोन भुगतान कर। सै क्या साउगे दास जेण वकरे भारे प्या जां बोलो, छंदे मुँह पन रैम कर, आऊँ अपने कर्जे री पूरी रकमेरा भुगतान कर दैला। पण इठनी री बजाय तेनी दास है अपना साउगे जैल खाने मज सुटी दीता, जिखनी तेनी सैतैस कर्जरा भुगतान न कर दिया। जै किछ बे तैड़े भू तैस हैरे करे सैकिए होरे दास बड़े परेशान भो गए, सैकिए राजे किनी गए जां तैस ने सब किछ सुना दे तो। राजे से क्या दास शदा जां तैस ने बोलो, हे दुष्ट दास, मी तिंडा कर्जा इठनी तेनी माफ के इथिया कि ती मुँह स्यों छांदे के इथिये, तब भी तीहें कानू चे तू थ्यों। राजा यौता गुस्से थिया कि तेनी से क्या दास जैल खाने मज सुटी दीता, जिखनी तेनी से क्या अपने सारे कर्जे रा भुगतान न कर देता। ता यीशु बोलो, मीडा पिता जै स्वर्ग मज विराजमाना तुआ सबने स्यों अहियो करेला, अगर तुए अपने भाई नी अपने दिला के ना माफ न काते। मती अध्याय 18:21-35 के ना अक बाइबले री कहानी।